हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चने के पत्तों की भाजी बनाना सीखेंगे, वो भी एकदम देसी। ये मेरे सास की रेसिपी है, तो चलिए इसे सीखते हैं। तो इसके लिए हमें चने के ये जो ताज़े पत्ते होते हैं उनको हमें यूज़ करना है। इस रेसिपी के लिए पहले हम अच्छे पत्तों को छांट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये पूरे खेत में ही चने की फसल है। ये देखिए, ये है सनफ्लावर, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और ये मधुमक्खी देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर और यहाँ पे हो रही है भाजी बनाने की तैयारी। अब सबसे पहला स्टेप है कि आपको भाजी को झटक के साफ करना है। इस स्टेप से इस भाजी में जो भी कीड़ा रहेगा वो नीचे गिर जाएगा और फिर ऊपर की भाजी को अलग रख लेना है इस तरह से। तो इस झटकने और अलग रखने के स्टेप को आपको 2-3 बार कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर आपके इस भाजी में कीड़ा रहेगा तो वो दिख जाएगा और आपकी भाजी अच्छे से साफ हो जाएगी। फिर आपको इस भाजी को इस तरह से कट कर लेना है बीच में से। हम इस भाजी को धो के नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इसमें जो खट्टा टेस्ट होता है उसको वैसे ही रखना है। इसके अलावा आप जो कुछ भी यूज़ करेंगे उस सब को धो के ले लें। तो अब हम लेंगे हरी मिर्च। तो हमने यहाँ पे 3 हरी मिर्च का यूज़ किया है। अगर आपको कम तीखा चाहिए तो आप इसमें से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया है लहसुन और उसको छील रहे हैं। इसके बाद हम लेंगे कच्ची मूंगफली। हमने 1 मुट्ठी भर कच्ची मूंगफली को इस तरह से दरदरा पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमको इन्हीं 4 चीज़ों की ज़रूरत है इस भाजी के लिए। तो इसके बाद हमने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर और गैस को ऑन कर लिया है। अब जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है तब तक हम ये जो हमारे लहसुन था उसको ऐसे ज़रा सा कूट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे कढ़ाई और तेल दोनों भी गर्म हो चुके हैं, तो इसमें हम लहसुन और हरी मिर्च डाल लेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे इसमें। और देरी ना करते हुए इसमें जो हमने काट के रखी थी भाजी उस सब को इसमें डाल लेंगे इस तरह से। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। पाँच मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे मिक्स करते रहे और इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ये मूंगफली का जो पेस्ट हमने दरदरा बना के लिया था उसको डाल लेंगे और इसको अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी हाथ पे लेके ऐसे ही छिड़क दिया है और इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। तो इसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर का ढक्कन खोल लिया है और आप देख सकते हैं ये नीचे से थोड़ा सा जल गया है। तो हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। तो इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर का ढक्कन रख दिया और फिर 2 मिनट के लिए और पका लिया। तो लगभग 4 से 5 मिनट तक हमें इसे पका लिया है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए, ये अच्छे से तैयार हो चुका है, तो आप इसे सर्व कर सकते हैं।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।